नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जून में प्रस्तावित काशी दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को तैयारियों को परखने वाराणसी जाएंगे। दो दिवसीय प्रवास पर मुख्यमंत्री शुक्रवार की दोपहर वाराणसी पहुंचेंगे, जहां सर्किट हाउस में थोड़ी देर रुक कर जंगमबाड़ी मठ में आयोजित श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शुक्रवार की शाम को विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम के आगमन की सूचना के बाद से ही प्रशासन बैठक की तैयारियों में जुट गया है। बैठक के बाद सीएम योगी डीएवी पीजी कॉलेज के चौरी चौरा शताब्दी समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ आगमन होना है, उससे पहले ही सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाएंगे। वहां पे दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे और दो दिवसीय दौरे के साथ साथ वो तमाम जानकारियां भी एकत्र करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री के आगमन से पहले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी के दौरे के लिए आएंगे तो उससे पहले वो लखनऊ भी आएंगे। यहाँ वो मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इसके लिए मंत्रियों को आरटीपीसीआर जांच कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जब सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे तो किन किन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं? जी शिखा, आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस के दो दिन के दौरे पर जा रहे हैं। आज दोपहर वो बनारस निकलेंगे, वहां जाकर वो आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि संकट मोचन एवं तमाम जो विभिन्न मंदिर हैं उनमें जाके वो दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही आपको बताएं कि आज वो रात्रि विश्राम बनारस के अंदर करेंगे और जिसके बाद वो जो वहाँ के पदाधिकारी है, जो स्थानीय नेता है, उनके साथ प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो तैयारियां चल रही है बनारस के अंदर में उसकी समीक्षा करेंगे। और साथ ही साथ जो राज्य सरकार के द्वारा जो कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के सरकार बनने के बाद कि 100 दिन के विकास का काम का खाका तैयार करने को, तो उसी क्रम में वो बात भी करेंगे और अधिकारियों से संवाद करके और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात करेंगे। वहीं आपको बताएं कि प्रधानमंत्री अपने बनारस दौरे पे आ रहे हैं, जहां वो लखनऊ भी आएंगे। तो वहीं आपको बताएं कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाकर वहां समीक्षा करेंगे और जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे। वहीं आपको बताएं कि प्रधानमंत्री का दौरा जो कि एक अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री बनारस से सांसद चुन के प्रधानमंत्री की गद्दी को संभाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को घूमेंगे और जो भी विकास कार्य वहां हो रहे हैं उस पर भी उनकी निगरानी होगी। वहीं आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ आज शाम पदाधिकारी और स्थानीय नेता और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, इसमें कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं आपको बताएं कि जो हाल ही में ज्ञान व्यापी से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे आ रहे हैं उसको भी लेकर, कि सामाजिक सौहार्द बना रहे उसको भी लेकर वो दिशा निर्देश देंगे कि कैसे, आपने देखा कि ज्ञान व्यापी मुद्दा जो कि आज एक नेशनल मुद्दा हो गया, तो कहीं ना कहीं मैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे, जिसमें आपको बताएं कि काशी को बाबा विश्वनाथ की नगरी कहते हैं, वहां आम अगर देखें तो गंगा जमुना तहजीब के तहत ऐसे कई अगर इतिहास के पन्ने खंगाले जाए तो ऐसे कहीं देखें तो कहीं दंगे और इसका नाम नहीं आता है, तो उसी क्रम में वहां के लोगों के अंदर भी यही है। तो कहीं ना कहीं देखे तो जो ज्ञान व्यापी मुद्दा है उसमें ऐसा कुछ अनहोनी ना हो जिसको लेकर जो वहां के तमाम आला अफसर है उनको भी निर्देश दिए जाएंगे। जी विभांशु, अगर प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें तो वो कब आ रहे हैं और उनके आने से पहले मंत्रियों को आरटीपीसीआर जांच के लिए भी बोला गया है, तो क्या मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे उसके बाद वाराणसी जाएंगे? जी बेशक, आपको बताया कि अभी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का वो जो है एक तय होता है वो अभी सामने नहीं आया है, मगर मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री पहले लखनऊ आएंगे। लखनऊ में वो यहाँ के नेताओं से जो पार्टी के पदाधिकारी है उनसे मिलेंगे, उसके बाद वो बनारस जाएंगे और बनारस में
के बाद उन्हें उनका आज पूर्वांचल की कुशीनगर का उसी दरमियान पूर्वांचल की कुशीनगर जाने का भी उनका कार्यक्रम रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो लोकसभा चुनाव में 2024 को लेकर कहीं ना कहीं वो अभी से तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि अगर देखे तो जो विपक्षी दल है और तमाम है उनकी सक्रियता कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक सवाल के घेरे खड़ा करती है कि अब विपक्ष भी सक्रिय हो रहा है। अगर कुछ समय की बात की जाए तो आप ऐसा आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि जैसे विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में अच्छा प्रदर्शन की, तो वैसे ही ठीक प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं वो भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को ले सकते हैं। और हाल ही में निकाय चुनाव है, साथ ही बनारस के अंदर में एक टूरिस्ट सर्किट को डेवलप करने के लिए काशी कॉरिडोर बनाया गया था, तो उसमें भी जो है बाहर से आने वाले लोग हैं तो उनकी भी जो संख्या है वो कम ना हो। और साथ ही साथ जो ज्ञानव्यापी मुद्दा चल रहा है जिसको देखते हुए विदेशों में भी कुछ ऐसी छवि ना बने जिसको लेकर कानून व्यवस्था की भी को सुधारने के लिए और पूरे जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उस पर सुरक्षा के जो इंतजाम है उसकी समीक्षा भी करेंगे योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ प्रधानमंत्री के आने के दौरे जो है तो उसको लेकर हर एक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। जी विभाषु जिस तरह से तैयारियां देखने को मिल रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, और तो क्या ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी की सुरक्षा भी बढ़ाई जा सकती है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ काशी कॉरिडोर भी जा सकते दर्शन करने? जी बेशक शिखा, आपको बताया कि ज्ञानव्यापी मुद्दा जो कोर्ट पे चल रहा है उसको देखते हुए ऑलरेडी वहां पर जो फोर्स है वो डिप्लॉय की गई है कि कानून व्यवस्था न खराब हो, साथ ही साथ जो आपसी एकता है उसमें कहीं एक ठेस ना पहुंचे जिसको लेकर पहले आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके साथ प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा के हर एक अव्वल इंतजाम होंगे जो एक आप प्रोटोकॉल के साथ होंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है तो कहीं ना कहीं बनारस के अंदर में हर एक जो सुरक्षा की टुकड़ी होती है उसको लगाया जाएगा। वहीं ये भी माना जा रहा है कि जो काशी कॉरिडोर के और ज्ञानव्यापी के बीच एक विवाद चल रहा है तो प्रधानमंत्री जो वहां के जिम्मेदार हैं उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ एकता बनाने की मिसाल भी उनकी तरफ से दी जा सकती है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर में हमारे संवाददाता विभाषु मणि त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। रुक करते अगली खबर की तरफ। खबर चंदौली से है जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालय पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए और सरकारी विद्यालयों को कॉन्वेंट के तर्ज पर विकसित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं विद्यालयों में ग्राम प्रधान और सरकारी अमले की लापरवाही के कारण सरकारी स्कूलों के नौनिहालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला सदर तहसील के बबुरी कस्बा स्थित प्राथमिक और कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है, जहां विद्यालय परिसर में कब्जे के नाले का पानी आ रहा है और पूरा स्कूल परिसर पिछले 2 दिनों से गंदे नाले के पानी से भर चुका है, जिससे पढ़ने वाले बच्चों और शिक्षक साथ ही अन्य कर्मचारियों को संक्रमण रोग ग्रसित होने का खतरा सता रहा है। सहायक अध्यापक के द्वारा प्रधान और सचिव के कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये गंदे नाले का पानी पूरे स्कूल परिसर में भर गया है और छात्रों और शिक्षकों सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर दिखा रहे हम आपको स्कूल परिसर की है, स्कूल परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां नाले का गंदा पानी भर गया है। जहां एक तरफ सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है हर एक विद्यालय पर उनमें सुधार लाने के लिए, सभी माध्यमिक और सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट की तर्ज पर विकसित करने के लिए, लेकिन इन करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी जो हालत है वो बदतर ही नजर आ रही है। विद्यालयों में ग्राम प्रधान और सरकारी अमले की लापरवाही देखने को मिली है, जिसके कारण स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। समस्या इतनी बड़ी है, लोग बताते हैं कि इसमें जेसीबी नहीं चल सकता, सफाई नहीं हो सकती, इसलिए कभी कभी इसकी जो सफाई हुई वो औपचारिक ढंग से हुई, इतनी अच्छी सफाई नहीं हुई कि निकास अच्छा हो सके। अब ये समस्या गाँव की सबसे बड़ी समस्या है, ये निकास की है। चार दीवारी में फटा हुआ है, चार दीवारी का जो मतलब ये जो फील्ड का लेयर है उसके लेयर से ये नीचे है, फील्ड हमारा गहरा है और वो पट के इसका लेयर ऊंचा हो गया है नाले का।
अब वहाँ का पानी जो है अब नीचे होने के कारण इसमें आके भर जा रहा है। ये बताइए कि इस बारे में कई बार अपने ग्राम के ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी महोदय को बताया गया है, उन्होंने संज्ञान में लिया है और सफाई कर्मियों को कल भी भेजे थे, आज भी भेजे हैं। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के अंदर साफ सफाई शुरू हो जाएगी। बताया गया है कि एक हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा, सफाई कराई जाएगी, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाले का पानी स्कूल में भर जा रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरह से गंदा पानी पूरी फील्ड में, पूरे मैदान में भरा हुआ है। और ये नाले की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं जो कि स्कूल से सटी हुई है और स्कूल के अंदर पानी भर रहा है, जिसके बाद अब शिक्षकों को, छात्रों को संक्रमण का डर भी सता रहा है। शिकायत करने के बावजूद भी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन आश्वासन जरूर दिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता अजीत पाठक जुड़ चुके चंदौली से। अजीत, पूरा मामला क्या बताया जा रहा है शिक्षकों द्वारा, कितनी बार शिकायत करी गई अब तक? मैम, हम आपको बता दें कि उच्च माध्यमिक विद्यालय बबरी कस्बा का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि दो दिन से नाला का पानी आके ग्राउंड में भर गया, जिसके कारण से बदबू भी आ रही है और इस और गंदगी से मतलब संक्रमण फैलने का बच्चों पर डर है। कहीं न कहीं एडीओ पंचायत और ग्राम प्रधान का इसमें बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि कई बार पर अध्यापक कहने के बावजूद भी इससे कोई ध्यान नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं एडीओ पंचायत और ग्राम प्रधान की बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। जी, शिकायत करने के बाद आला अधिकारियों का क्या कहना है, क्या इस पे काम किया जाएगा, संज्ञान में लिया जाएगा? अभी कुछ दिन पहले डीएम भी बोले थे कि इस पे जितने भी एडीओ पंचायत को भी बोला गया था कि जितने भी विद्यालय पर विद्यालय परिषद में गंदगियां उसको जल्द से जल्द साफ करवाई जाए, और नहीं करवाई जाती तो जल्द से जल्द उनके पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं हम भी अवगत कराएं एडीओ पंचायत से, एडीओ पंचायत से कई बार हमने कहा, फिर बिल्कुल वो ध्यान नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं उनकी बड़ी लापरवाही आ रही है। यहाँ के जो ग्राम प्रधान है उनकी भी लापरवाही आ रही है और वो बोले हैं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई किया जाएगा और जल्द से जल्द सफाई किया जाएगा, दो दिन का मौका मांगे। जी, दो दिन का मौका माना है और जिस तरह से शिक्षक द्वारा बताया गया कि एक हफ्ते के अंदर काम शुरू होगा, तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? मैम, हम आपको बता दें कि अभी सफाई करनी वहां पर आ रहे हैं और दो दिन से लगातार साफ सुथरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गंदगी फैलती जा रही है और जिसके कारण से बच्चे भी बहुत कम आ रहे हैं स्कूल में, कहीं ना कहीं बहुत लापरवाहियां सामने आ रही है। और प्रधान जी से हमारी बात हुई, वो बोले कि जल्द से जल्द इसका मैं निष्कारण निकालता हूँ। जी, इस गंदगी को देखने के बाद बच्चों के परिजनों का क्या कहना है? बच्चे का परिजनों का कहना है कि मेरे बच्चे को संक्रमण फैलेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन है? कहीं ना कहीं जो अध्यापक हैं उनका भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है, और एडीओ पंचायत जो है हमारे यहाँ के बबरी कस्बे के, कहीं ना कहीं उनकी बहुत लापरवाहियां सामने आ रही, जिसके कारण से आज बच्चों को या स्कूली ग्राउंड में, स्कूली परिसर में आज यह संक्रमण फैलने का डर बना हुआ, जिसके कारण से बच्चे पूरी तरह से पढ़ने में असफल हो रहे हैं, न समय से आ पा रहे हैं, और जो आना चाहिए पूरा पढ़ने बच्चों को, वो पूरा बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल में, जिसके कारण से बहुत लापरवाहियां सामने आ रही है। मैम जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत पाठक जुड़े थे चंदौली से। संवाददाता इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।